औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गार्डन ऑफ आगा पब्लिक स्कूल से हम एक दौर फिर आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो घरों से तो बाहर निकलना नहीं है, तो मसरूफियत का एक और तरीका निकाला है। चलो जी, गमलों को रंग करना शुरू कर दिया है। ये ऑरेंज किस्म का रंग हमने शुरू किया है इस पर, तो ये देखें, कल से शुरू किया है, कुछ गमले रंग भी किए हैं। जैसे ये देखें, ये एक वॉल पे लगाने वाला गमला है, इसको रंग किया है। इसी तरह ये देखें, ये पानी का कैन था, इसको ऊपर से काट के और इसको गमला बना लिया है और इसको ऑरेंज कलर कर दिया। माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी। इसी तरह मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें, गुले दोपहरी के फूल भी खिले हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए। अरे, ये जो सारे पौधे आपको फूल नजर आ रहे हैं ना, ये कोई जमीन नहीं है, ये गमलों में लगे हुए हैं। ये इसकी टहनियां लगती हैं, इतने फैलते हैं कि आपको लगता है जैसे कि जमीन में उगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये देखें, चंद दिनों में ये बनाना का पौधा पहले से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने कैल्शियम मिला, पानी डाला है, गोबर डाला है, पत्ते डाले हैं पौधों के, और इसमें मैंने केले के छिलके जो हैं, यानी कि केले के जो छिलके हैं, इनको सुखा के पीस के डाला है। ये देखें, ये सारे गमले अब रंग हो गए हैं, ये देख, और बड़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। ये देख, ये सारे मैंने कल रंग किए हैं, और टाइम भी, चलो फ्री हैं आजकल, लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियाँ हैं, तो काम भी हो गया, और साथ ये देखें, खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बिल्कुल नए हैं। आप भी इस हॉबी को अपनाएं, ये बहुत अच्छी हॉबी है, बंदे का दिल लगा रहता है और खूबसूरती में इजाफा होता है। तो ये देखें, ये देख लें, बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये दोपहर को खिलते हैं, शाम तक रहते हैं। ये एलोवेरा भी है, ये तरबूज की बेल भी है इसमें, ये देखें नीचे, ये वाली, ये तरबूज है, ये देखें। ये आप घर की छोटी मोटी चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने टायर में ये मैंने पौधे कुछ लगाए थे, ये रंग किया है टायर को सिंपली और दीवार पे लगा दिया है। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं अब ये, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो तक, गार्डन ऑफ आगा पब्लिक स्कूल की तरफ से खुदा हाफिज़। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, शुक्रिया।